हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत में पहुंचे, जहां राधना गांव से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव बेहद नज़दीक है और मिशन 2024 को लेकर जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला के निर्देश पर संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि लगभग 4 साल के कार्यकाल में नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लगातार लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही पहलवानों के मुद्दे पर हो रही महापंचायत पर उन्होंने कहा कि पहलवानों की मांग पर पुलिस की जांच हो रही है, लेकिन पुलिस की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के ठाठ लेने के लिए जननायक जनता पार्टी को बीजेपी को समर्थन दिया, पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने अपने सुख के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए बीजेपी को समर्थन दिया था। गठन का विस्तार पार्टी का पूर्ण तौर पर नए तौर पर हुआ है और पार्टी संगठन को पूरा कंप्लीट करने की जो जिम्मेवारी डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी ने लगाई है उसके प्रति कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करें और नए लोगों को भी संगठन के साथ जोड़ने का काम करें। मुझे लगता है कि साढ़े चार साल के इस दौर में बहुत नए साथी जुड़े हैं और आज नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का समय है। सर, गुमान से क्या खाते भी इकट्ठे हो रहे हैं? पंचायत सामाजिक तौर पर कर रहे हैं और हमने तो पहले दिन भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जल्द उसका निर्णय आए और दोषी है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। दुष्यंत जी, मेरा तो गन्नौर में या यहाँ पर कोई विधायक नहीं, बाकी जगह साथ गए हैं तो है। आप कर लो प्रोग्राम, उसको विदेश से तो वापस ले आओ। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी